नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चले हुए हैं और लगातार हम चुनावी गतिविधियां आप तक लेकर आए हुए हैं। आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं जोगेंद्र फौजी, जिनके विषय में हमने आपको पहले भी बताया था। और आज पूरा चुनाव प्रचार अब समाप्ति की ओर है और जोगेंद्र फौजी ने जो प्रण लिया था, जिस प्रकार से इन्होंने अपने वस्त्रों का त्याग किया था, अपने चप्पल जूते को त्याग करके और ये चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, और अब महज दो दिन का चुनाव प्रचार बचा हुआ है, जोगेंद्र फौजी उसी स्थिति में लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। किस प्रकार का समर्थन मिला है ये तो वही बता सकते हैं, तो आज हम उनसे खास बातचीत करते हैं। जोगेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है। जी नमस्कार। जिस प्रकार से देखा था हमने, जब आपने जो अपने गांव से चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, आपने वस्त्र त्यागे थे, आपने चप्पल जूते और कई जो वायदे लिए थे, उसके बाद करीब 10 से 15 दिन का समय बीत चुका है, तो अब उस दौरान किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिला है आपको पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाने के बाद? जी, मैं सबसे पहले आपके क्षेत्र के सभी दर्शकों को नमस्कार, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपने इलाके में गया हूं तो मुझे अपार लोगों का प्यार और समर्थन मिला है। कई जगह मैं नहीं भी पहुंच पाया तो वहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से या मेरे जो वादे, जो मेरे पेपर थे वो पहुंचे हैं, तो लोग मुझे दिन में सैकड़ों फोन मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई जोगेंद्र फौजी, हम आपके विचारों से प्रभावित हैं और हम आपके साथ हैं। तो मुझे लोगों का ढेर सारा प्यार और समर्थन मिल रहा है। अच्छा, जब आप चुनाव मैदान में आए, देखिए चुनाव तो बहुत से लोग भी लड़ रहे हैं, अलग अलग जो है लोक लुभावने वादे करते हैं, लेकिन जोगेंद्र फौजी के वादे और जो जिस प्रकार से प्रण है, आपको नहीं लगता कि कुछ अलग है? और क्या प्रण है वो भी एक बार हमारे दर्शकों को फिर से बता दीजिए। जी, मेरे वादे हैं जो आम जनता को अभी शायद पता है, मुझे उनको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रण लिया है कि यदि मैं आपके वादे पूरे नहीं करता हूं, जब तक मैं अपने वस्त्रों का, सिले हुए कपड़ों का त्याग करता हूं और चप्पल जूतों का भी त्याग करता हूं, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है कि ये मुझे 10% से ज्यादा लोगों का प्यार मिला, समर्थन मिला। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप तो दौड़ से बाहर हो, लेकिन शायद ये उनकी गलतफहमी है, वो अंदर की उनको खबर नहीं है कि लोगों की राय क्या है। लोग मेरे साथ हैं और मेरे साथ अपार लोगों का समर्थन है। तो फिर भी मैंने लोगों को बोला कि ठीक है, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, यदि मुझे 10% लोगों का भी समर्थन मिलता है तो मैं इसी अवस्था में जब तक रहूंगा जब तक मैं आपके मुद्दे सारे पूरे ना कर दूं, और यदि मुझे लोगों का समर्थन कारणवश किसी मजबूरी से, किसी दबाव से नहीं मिल पाया, तो फिर मैं एक अपनी नॉर्मल अवस्था में आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे जो शुभचिंतक हैं वो भी इससे थोड़ा से खपा है, नाराज है। गांव गांव में भी गया हूं तो वहां भी लोगों ने मुझे बोला है, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा प्रण है, यदि 10% लोग भी मेरे साथ रहे तो इस प्रण को निभाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी जो अवस्था है कपड़ों की उसको बदलूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं क्षेत्र के लोगों का ये जो वादे हैं इनके लिए आगे भी लड़ता रहूंगा और उन वादों के लिए आगे भी मैं काम करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा इसको मैं छोड़ दूंगा या क्षेत्र के लोगों से मेरा जुड़ाव खत्म हो जाएगा, जुड़ाव मेरा आप लोगों के साथ रहेगा और चलता ही रहेगा। अच्छा, जिस प्रकार से जो है आपने हमसे चर्चा की थी तो कई चीजें बताई थी, कई कोर्स के बारे में आप बातचीत कर रहे थे, तो आप जो और जो दूसरे प्रत्याशी हैं, कोई कहता है कि भाई हम रोजगार देंगे, कोई कहता है कि हम उद्योग लगाएंगे, कोई जो है इस प्रकार के वादे कर रहे हैं, तो फिर जोगेंद्र फौजी के साथ लोग क्यों जुड़े? जी, मेरे साथ लोगों का जुड़ाव का एक ही कारण है कि मैं समाज को एक सही दिशा में लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि क्षेत्र के अंदर हमारा जो युवा है वो नशा की तरफ आकर्षित हो रहा, अग्रसर है नशे की तरफ। तो मैंने देखा कि सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, यदि हमें किसी से दुश्मनी भी निकालनी है तो उसके बच्चे को बिगाड़ दो, आपने समझो उसकी दुश्मनी का बदला ले लिया। तो मैंने इसी चीज को ध्यान में दिया कि बच्चे हमारे गलत रास्ते पे ना जाएं और एक सही रास्ते पे जाएं, तो मैंने इसके लिए मेरे पास मेरे मैनिफेस्टो में मैंने ये वादे किए हैं कि यदि मैं जीत के आता हूं तो उसमें ये मेरे बहुत सारे कोर्सेज होंगे, जिसमें थर्ड आई का है, जिसको इंग्लिश में पीनियल ग्रंट बोलते हैं, और उसमें वास्तु का है, स्वर विज्ञान का है, एस्ट्रोलॉजी का है, न्यूमरोलॉजी का है। इनसे क्या है कि मैं बच्चों को, युवाओं को एक नई दिशा दूंगा, ताकि वो नशे की तरफ, तो आप ये भूल जाए, वो नशे की तरफ तो जाने वाले हैं ही नहीं,
लेकिन वो जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, इसके अंदर एक डीएमआईटी टेस्ट है, उसके अंदर बच्चों का हम भविष्य निर्धारित कर देते हैं, पता लग जाता है कि बच्चे किस दिशा में जाएंगे तो ज्यादा अचीवमेंट होगा। यदि आपका बच्चा खेल जगत में जाना चाहे, उसका अंदर की स्टेमिना बोल रही खेल जगत में जाऊंगा, आप उसको साइंटिस्ट बनाना चाहते हो, तो ऐसी गलती हम अक्सर कर देते हैं। तो जो मेरे टेस्ट हैं ये बच्चों को एक सही दिशा देंगे, और इसलिए ही मेरा जो मेन मकसद था वो सिर्फ हमारी युवा पीढ़ी को आगे लेके जाना था, ताकि मेरे क्षेत्र का नाम हो, उसके माँ बाप का नाम हो। बच्चा जहां से आता है और यदि वो गलत रास्ते पे चला गया तो सबसे पहले उसके माँ बाप का जो है नाम खराब होता है, नाम बदनाम होता है, फिर उसके गांव का होता है, उसके क्षेत्र का होता है, और यदि वो प्रगति करता है तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले तो उसके माँ बाप का नाम होगा, और फिर उसके समाज का नाम भी ऊंचा होगा, और राष्ट्र का भी नाम ऊंचा होगा, एक कहीं ना कहीं जोगेंद्र फौजी का भी नाम आएगा, किसने युवा पीढ़ी को जगाने का काम किया, और उसको जगाने के लिए ही मैं क्षेत्र में आया हूं। नहीं तो दूर दूर तक मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। उसके बाद मैंने देखा कि इस क्षेत्र में हमारे सभी पार्टियां आ गई, मैंने किसी एक पार्टी को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैंने बताया देखा कि पिछले 15-20 साल से उसमें कांग्रेस भी रही है, उसमें बीजेपी भी रही है, लेकिन किसी ने भी उस तरह से काम नहीं किया जो होना चाहिए था। खास करके मैंने क्षेत्र के हर गांवों का दौरा किया और मैंने देखा कि गंदे पानी की निकासी का कहीं भी उचित प्रबंध नहीं है। आपने भी देखा होगा कि जो अटेली का अपना जो पानी है, ये इधर महासर राता इनके 20-25 गांव है, इनके अंदर गंदे पानी की इतनी व्यवस्था अव्यवस्थित है कि हमने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, और यहाँ के आम जो नागरिक है वो काफी परेशान है। तो मैंने देखा कि इसके लिए एक ऐसा स्थान बना जाए, या तो इसको रिसाइकिल किया जाए, या इसको कहीं ऐसी जगह पे रिस्टोर किया जाए कि वो लोगों की परेशानी जैसे बदबू की है, मच्छर मक्खियों की है और परेशानियां, उसे छुटकारा मिल सके। दूसरा मैंने देखा कि हमारे यहाँ पर और मेरे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हमारे एक मैं आपको बड़ा मुद्दा बताता हूँ कि यहाँ खेल स्टेडियम नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे जो युवा हैं वो खेल जगत में कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देते। आप चले जाओ सोनीपत, पानीपत, रोहतक, इस तरफ चले जाओ तो वहां के बच्चे ओलंपिक तक जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा शायद अभी तक कोई ओलंपिक में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमने ऐसा वातावरण यहाँ उनको दिया ही नहीं। अच्छा, यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहता हूँ। जिस प्रकार से अभी जो राजनीतिक दल आ रहे हैं चुनावी मैदान में, वो बार बार वादा कर रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में रह चुके हैं पहले, कोई 10 साल रहा, कोई 15 साल रहा, तो उन लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया, और अब क्षेत्र की जनता जब मांग करने लगी तो वो लोग भी वादा कर रहे हैं कि हम खेल स्टेडियम बनाएंगे, खेल स्टेडियम। तो क्या लगता है कि ये इस प्रकार के जो लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, क्या ये जनता के साथ छलावा नहीं किया जा रहा? ये जो आप बता रहे हो, जो वादे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चुनावी वादे जुमले हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। यदि कुछ करते तो मुझे शायद इस क्षेत्र में आने की नौबत नहीं होती, और मैं क्षेत्र में आता भी नहीं, मैं कोई अपना दूसरा क्षेत्र चुनता, क्योंकि मेरा तो राजनीति कोई करियर या बैकग्राउंड है भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके साथ छलावा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं करने वाले। जब तक आपका वोट इनको नहीं मिला, जब तक ये आपके पीछे घूमेंगे जैसे मक्खी गुड़ के ऊपर घूमती है, लेकिन उसके बाद ये आपको दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आएंगे और कहीं मिलेंगे नहीं, और ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। जी अच्छा, एक तो हमारे दर्शकों को जो है अपना चुनाव चिन्ह क्या है वो चुनाव चिन्ह बताइए, और आप अटेली विधानसभा के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? जी, मेरा चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है, और वो बैलेट पेपर के ऊपर 7 नंबर पे है, जोगेंद्र फौजी। तो मैं अपनी जनता से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सही कैंडिडेट को ही जिता के, और आप देखोगे तो आपको इनमें से कोई सही कैंडिडेट नजर नहीं आएगा। एक चीज मैं छोटा सा और जोड़ना चाहता हूं जी, कि आपने देखा होगा कि कई नेता, एक नेता, एक मैं आपको जोक सुनाता हूं, जोक नहीं वो हकीकत है। एक नेता भेड़ों के झुंड में गया और उसने भेड़ों से जाके वादा किया कि मैं आपको जीत के आता हूं तो कंबल दूंगा, अभी सर्दी आ रही है। सारी भेड़े खुश हो गई कि भाई हमें कंबल मिलेगा, सर्दी आ गई। लेकिन भेड़ का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास जाके बोलता है, माँ आपको पता है नेताजी आपको कंबल कहां से देगा? बोला, ये तो मुझे मालूम नहीं। तो उस भेड़ के छोटे से मेमने ने अपनी माँ को बताया कि पहले हमारी ऊन उतारेंगे, फिर उसका कंबल बनाएंगे, और फिर हमें वो कंबल देंगे। तो ये ही खिलवाड़ आप लोगों के साथ होने वाली है कि ये पहले आपकी ऊन उतारेंगे और फिर आपको बना के कंबल देंगे। तो मैं अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि इस चीज से बिल्कुल जागरूक रहना, और वोट सही आदमी को झाड़ पिछोड़ के देना, जो आपके वादों पे और सही नियत के साथ, ईमानदारी के साथ, जो आपकी सेवा कर पाए, आपकी वोट की इज्जत
और इसका सम्मान रख पाए उसी आदमी को आप अपना वोट दीजिए। मेरा चुनाव निशान मैं दोबारा बता देता हूं कि मेरा चुनाव निशान गन्ना किसान 7 नंबर के ऊपर मेरा चुनाव चिन्ह निशान है। जोगेंद्र फौजी मुझे आप अपना भारी मतों से समर्थन देके विजय बना के यहां से भेजिए, फिर मैं देखता हूं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो निर्दलीय हो, आप क्या कर पाओगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके प्रत्याशी है ना पार्टी वाले, ये तो चुपके से जाके बैठ जाएंगे, ये बोल भी नहीं पाएंगे। और मैं कदम कदम पे आपके मुद्दों के लिए लड़ता रहूंगा और जो मेरा हक है वो लेके आऊंगा। अपना हक मैं छोड़ने वाला नहीं, वो मैं आपसे वादा करता हूं। अच्छा, अब आखिरी में फिर वही बात आती है घूम के कि चुनाव बहुत जल्द खत्म होने वाले, तो उसके बाद जोगेंद्र फौजी क्या करेंगे और जो ये आपने वस्त्र धारण किए हैं इनका आगे का क्या निर्णय लिया है वो भी हमारे दर्शकों। जी आगे यदि आप मुझे अपना प्यार थोड़ा भी देते हैं वोट के माध्यम से तो भी मैं आपके साथ हूं, और यदि मुझे विजय बनाते तो भी मैं आपके साथ हूं। और बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि जोगेंद्र फौजी के कोई साथ नहीं है, मेरे साथ वो वोटर साथ है जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, और ये 50-60% लोग हैं ये पूरी तरह से मेरे साथ हैं। उनका मुद्दा है कि हमें अपने क्षेत्र का और ऐसा युवा साथी चाहिए जो हमारे हक की लड़ाई लड़ सके। तो उनके लिए मेरे पास जो फोन आते हैं तो लोगों के यही फोन आते हैं कि जो हमारे पैरामीटर है उसके ऊपर सिर्फ जोगेंद्र फौजी ही खरा उतरता है, इसलिए हम जोगेंद्र फौजी के साथ हैं। और रहा मेरे वस्त्रों का सवाल, मैं आपको फिर बता देता हूं, कम से कम 10% लोग भी मेरे साथ आए तो मैं इसी अवस्था में रहूंगा और आपके वादे जब तक पूरे नहीं होंगे जब तक इन वस्त्रों का त्याग नहीं करूंगा। लेकिन यदि मुझे आप लोगों ने किसी पार्टी के दबाव से या जातिवाद के जहर के अंदर घोल के और मुझे नकार दिया कारणवश, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप मुझे नकारने वाले हो, क्योंकि आपकी जो मजबूरियां हैं उनको मैं ही समझता हूं, आपके दुख को मैं ही समझता हूं, आपके दुख की दर्द सिर्फ जोगेंद्र फौजी है, क्योंकि आपके दुख और दर्द को सिर्फ आपका भाई समझ सकता है जो आपके समाज से आया है। मैं गरीब और किसान के परिवार से आया हूं, एक गरीब का जो दर्द है ना वो गरीब ही समझ सकता है। तो ये मैं आपको बताता हूं कि यदि मुझे 10% लोगों का साथ भी नहीं मिला तो मैं अपने कपड़े तो शायद बदल लूं, लेकिन आपके जो वादे हैं वो मेरे दिमाग में चलते रहेंगे और उनके लिए मैं हमेशा दिन रात काम करता ही रहूंगा और आगे बढ़ता ही रहूंगा और आपसे मेरा जुड़ाव हमेशा चलता ही रहेगा। तो जोगेंद्र जी, आपने जो अपने वादे रखे और जो लोगों से अपील की, समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ है जोगेंद्र फौजी, जो कि अटल विधानसभा से एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव लड़ रहे हैं और ये एक बड़ा मिशन लेके चले कि जिस प्रकार से जो समाज का युवा आज के समय पथ भ्रमित हो चुका है उसको सही रास्ते पे लाना है और जो समाज की जो और बहुत सी चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, उनको समाप्त करने के लिए, और इन्होंने बड़ा बीड़ा उठाया, इन्होंने अपने जो सिले हुए वस्त्र हैं, अपने पैरों में पहनने की चप्पल जूते, उन सबको, और साथ में वादा कर रहे हैं कि यदि 10% इस विधानसभा क्षेत्र की जनता इनके साथ रहती है तो ये अपने वादे पर अटल रहेंगे। वो सारी चीजें हम चुनाव के बाद फिर देखेंगे कि जोगेंद्र फौजी जो आज एक फौजी का वादा है वो आने वाले समय में जो है कितना पूरा होता है। तो इसके आज हमने जोगेंद्र से बात की। अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़। नमस्कार जी। नमस्कार।